सापला जी आपको सुरक्षा व्यवस्था क्या होती पता, मेरे पास आके पूछिए या मैं बताता हूँ अपने शरीर का, मैं हिस्सा दिखाता हूँ कैसे टूटा। MS बिट्टा साहब चेयरमैन AIATF के और डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले तो यहाँ पर बिट्टा साहब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इस पर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, पॉलिटिकल रिएक्शंस हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे मैं बात करना चाहती हूं क्योंकि आपने जिस थ्रेट परसेप्शन की बात आज की जा रही है, जिस सिक्योरिटी लैप्स की यहां पर बात की जा रही है वो मैसिव है। कैप्टन अमरिंदर ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर पंजाब सरकार देश के प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो ये अपने आप में बहुत सीरियस सवाल खड़े करता है और CM और होम मिनिस्टर दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो मैडम, ये इस्तीफे की बातों को तो छोड़िए, थोड़ी देर के बाद तो चुनाव है, इन चीजों की तरफ मत पड़े। इंदिरा गांधी के इतिहास को देखें, इंदिरा गांधी की शहादत के बाद क्या हुआ था, जब सुरक्षा कर्मचारियों ने, जब सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों की गलतियों से इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री शहीद हुई, उसके बाद 91 के अंदर राजीव गांधी, देश की सुरक्षा व्यवस्था राजीव गांधी की कमजोर की गई और राजीव गांधी की तमिलनाडु में शहादत हुई एक्स प्राइम मिनिस्टर की। और ये कांग्रेस बीजेपी कहां से जोड़ी जा रही है, देश का प्रधानमंत्री जिसने 376 धारा हटाई, आतंकवादियों को ठोक के जवाब दिया, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना CPM ना CPI, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा। और ये सिद्धू बॉर्डर पे कहा जाता था पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब हमारी मोदी को मारेंगे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर तैयब नहीं था क्या, क्या किसी को पता नहीं था कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, नाम ला लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, हिंदुस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर जिसने जुझारूपन से जम्मू कश्मीर और आतंकवादियों को नकेल डाली। अरे पता है, अब ये कहोगे कि यहाँ पे किसान आंदोलन का प्राइम मिनिस्टर घुस नहीं सकता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी किसी का हो। आज TIG में मेरी जट ब्लॉक सुरक्षा है, मैं आया हूँ केरला में, पच्चे पच्चे पे सुरक्षा है, जबकि यहाँ कोई सरकार से कोई तालमेल कुछ नहीं। जो दिल्ली से होम मिनिस्टर से ऑर्डर आया उसको पूरा प्रोटोकॉल को पूरा तैयारी से कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी कुछ पहले दिन पहले मैं कुछ कहीं और गया, वहां प्रियंका गांधी जी आ रहे थे, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मिली, मैं कहा नहीं जी, कहने प्रियंका गांधी जी आ रहे, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी कि प्रियंका गांधी को बुलेट प्रूफ गाड़ी देनी, सुरक्षा देनी, हमारी पहल है आपको नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है ये कांग्रेस बीजेपी में लड़ करके प्राइम मिनिस्टर का नुकसान कर रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कोई आफत आ जाती, कुछ हो जाता, पहले क्या देश में हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम में बताइए, कौन जिम्मेदार था उसका। ये छोटी बातों में पढ़ते हैं, ये सुरक्षा के मामले में इनको पता नहीं है क्या, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी का, क्या स्टेट पुलिस का, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रास्ता नहीं था। ये जो बातें कर रहे हैं ना वहां के लीडर, इनको मैं कहना चाहता हूँ, अरे होश करो, ये छोटी सी बात नहीं है, किसी को खुश करने के लिए किसी की सुरक्षा के ऊपर खिलवाड़ करो, अरे आफत में हम आ जाएंगे, पूरा देश आफत में आ जाएगा, पूरे देश में पूरी दुनिया में बैठे लोग, पहले तिरंगे झंडे का अपमान हुआ हमारे पे दाग लगा, अब यह हुआ फिर अपमान सहन किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के किसानों से पंजाब के लोगों से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कीजिए गुरु नानक देव जी के दिन कि मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई। अरे अब हर बात को जीत की तरफ ले जा रहे, आज अगर केरला में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, या किसी महाराष्ट्र में आते हैं, क्या वहां भी ऐसा होता है? मैं भी घूम रहा हूँ पूरे देश में 5-6 दिन से, सब जगह पे जा रहा हूँ, पूरी सुरक्षा, कोई दिक्कत नहीं, वहां ऐसी समस्या क्यों आई, जबकि वहां पे इस समय पे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी को खतरा है। अरे इससे तो हम अपनी अपनी पार्टियों का नुकसान कर रहे हैं, देश के अंदर अपमान कर रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। और बिट्टा सर, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए दल इतना इंपॉर्टेंट है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव इतने इंपॉर्टेंट है जैसे कि आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है? बीजेपी के बड़े लीडर नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये फर्क करना भूल गई क्या कांग्रेस पार्टी?
देखो मैडम त्यागी जी, जब राजीव गांधी के ऊपर ब्लास्ट हुआ था तो एक महीना पहले 10 जनपद के अंदर मुझे सुरक्षा व्यवस्था की इतनी जानकारी है। मैंने अपने दोस्त को कांग्रेस में है वो लुधियाने का नौजवान जोशी, मैंने कहा राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, कहता क्यों, मैं कहा एसपीजी हट गई, बाहर दिल्ली पुलिस के रिटायर होने वाले जवान लगा दिए। मैंने कब कहा, 91 में कहा, और एक महीने बाद राजीव गांधी की डेथ हुई। मुझे लगा था खालिस्तानियों ने मारा होगा, पर नहीं, ये तमिलनाडु में हुआ। उसके बाद जब 93 के अंदर मैं दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस का प्रधान बना और 8 महीने पहले पंजाब का मिनिस्टर था, मेरे पे 45 किलो आरडीएस के साथ ब्लास्ट हुआ, सुरक्षा में कमी थी। फिर दिल्ली में आया, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट 15 दिन में सुरक्षा मिली, 15 दिन में हटी, पार्लियामेंट के बाद 40 किलो आरडीएस के साथ 38 लोग शहीद हुए, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। फिर नरेंद्र मोदी जी गए पटना रैली के अंदर, पिछली इलेक्शनों के अंदर मैंने उनको एक पत्र लिखा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था मैं जानकारी रखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आप जिंदा नहीं रहेंगे, मैं आके लेटर दिखाता हूं, आप गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना और कहीं ट्रक। एमएस बिट्टा सर ये कह रहे हैं नियति है। देखो देखो बहनी, मैंने आपको पहले भी कह चुका, अरे एक मिनट बंद कराइए, इनके बात को मैं बताता हूँ, मैं पहले भी कह चुका अब भी कहता हूँ, ये कांग्रेस के बीजेपी के बीच में जो बात लानी ये अच्छी नहीं है। मैंने आपको बात बीच में थोड़ी कट गई, नरेंद्र मोदी जी जब पटना साहब गए मैंने लेटर लिखा था और लिखा और ब्लास्ट हुआ, 5 दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी को मेरा लेटर मिला। 26/11 की घटना हुई करनाल के अंदर, 8 महीने पहले कहा कि समुन्दर के जरिए टेररिज्म आएगा, मैंने कहा मेरे पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, मेरे पास रॉ का इनपुट नहीं है, मेरा अनुभव था। और मुझे ये बताओ, ये अधिकारी, ये सब लोग, हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार लोग पंजाब के, हम किस चीज के मंत्री हैं भाई, हम किस चीज के ऑफिसर हैं भाई? ये कह रहे हैं छापला जी आपको सुरक्षा व्यवस्था क्या होती पता, मेरे पास आके पूछिए, या मैं कहता हूँ अपने शरीर का मैं हिस्सा दिखाता हूँ कैसे टूटा, उस वक्त के राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गलतियों से, उस वक्त के अधिकारियों के, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों से, क्या आपको पता है? आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल है, उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने के बजाय वहां के अधिकारी, वहां के जिम्मेदार लोग, वहां की सरकार क्षमा मांगे तुरंत कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। यह बीजेपी का मतलब नहीं है, यह प्रधान नरेंद्र मोदी जी का मतलब नहीं है, यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती पूरे देश में आग लग जाती, उस आग को कौन मिटाता, मेरा आपसे सवाल है। जवाब है ऐसी ऐसी कोई स्थिति देश के अंदर होने वाली पैदा नहीं थी, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था बाकी गई। बहुत सारे सवाल है बिट्टा सर, बहुत सारे सवाल है जो यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक लेवल पर नहीं कई लेवल पर चूक हुई है, प्रोटेस्टर्स इतने क्लोज प्रधानमंत्री के काफिले के अपने आप में यकीन करना नामुमकिन है। बेटा जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। देखो मैडम त्यागी जी, पहले तो मैं जफर इस्लाम साहब को कहना चाहूंगा, मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, ना मैं झगड़ने वाला आदमी हूँ। हमारे आपके बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, आपको मुबारक हो, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, याद रखिए, मुझे ये बात जो आपने कही, जो मुझे पीड़ा हुई, आपने मुझे कहा मैं झगड़ रहा। दूसरा, जो अभी बिक्रमजीत सिंह जो डीजीपी रहे हैं यूपी के और सीआईएसएफ के एडीजी पे रहे और बीएसएफ में रहे हैं, इनके ये ना कांग्रेस के हैं ना ये बीजेपी के हैं, इनके विचारों को हम सुने कि सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक हुई है। और मैं मैडम त्यागी जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी बहस के अंदर हमें बीजेपी कांग्रेस वालों को मत कीजिए, आप बिक्रमजीत जैसे लोगों को बुलाइए, आप सुरक्षा देखने वाले लोगों को बुलाइए। बहुत सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि इस पर पॉलिटिक्स हो रही थी सर, हमारी जिम्मेदारी है इस खबर को हर पहलू से दिखाने की, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सियासत वो दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन हम तथ्य भी पहुंचाना चाहते थे, इसलिए सर आपको भी बुलाया और इसीलिए विक्रम जी को भी बुलाया। नहीं नहीं, पर कांग्रेस की बात करें, मैं भी पुराना कांग्रेसी हूँ, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, मेरे लिए देश का प्रधानमंत्री है, हमारा आधा टाइम तो बीजेपी कांग्रेस में तूतू मैं गुजर, देश की सुरक्षा, देश का प्रधानमंत्री, जिस तरीके से
डीजीपी विक्रमजीत सिंह कह रहे, अगर खुदा ना खासा इंदिरा गांधी की तरह कोई हादसा मोदी जी के ऊपर हो जाता, देश के हालात कैसे होते। 84 के दंगों को तो अभी तक इंसाफ मिला नहीं, कल को आपस में दंगे फसाद हो जाते, उस तरफ कुछ जाने को तैयार नहीं, हम तू तू मैं में फंस जाते। विक्रमजीत सिंह जी की बातों को सीरियस लीजिए, आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजों को दिखा रहे, वीडियो कैसे बन रही है वो देखो, कफला जा रहा है, वो काली गाड़ी में नरेंद्र मोदी, किसी ने बम लगाया होता, नीचे तार लगाई होती जैसे नक्सलाइट करते हैं, कल को कार को उड़ा देता, उस तरफ कोई जाने को तैयार नहीं। ये मैं कांग्रेस वालों के साथ बहस करूंगा, इनको तो इनको दो दो घंटे बहस करा लीजिए, पर ये बहस का वक्त नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ये दुनिया में क्या मैसेज जाएगा अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की, उसकी हिंदुस्तान की देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो बाहर तो कहीं भी उसका नुकसान कर देंगे। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री विदेशों में कई दौरों में जाते हैं, उस देश के ऊपर क्या असर होगा, ये मेरे कहने का सवाल है। ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, ये तू तू मैं का सवाल नहीं है, इसके हालात क्या होते अगर कल को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई जानी नुकसान हो जाता, तो दुनिया के अंदर हालात क्या होते, उसका जिम्मेदार क्या होता, ये मैडम त्यागी जी आप बता दीजिए इन लोगों को। सर इसीलिए तो आपको बुलाया है सर, हम तो समझ रहे हैं इस सिचुएशन की संवेदनशीलता को, इसीलिए विक्रम जी को भी बुलाया है, इसीलिए हम बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये चुनाव नहीं है, चुनाव तक सीमित नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये खबर पूरी दुनिया में देखी जाएगी, और इस खबर को देखने के बाद दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा कि भारत में देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, पंजाब सरकार देश के प्रधानमंत्री को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है, क्या मैसेज जाएगा, किसकी बदनामी होगी, ये राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है बिट्टा जी, हम तो इसी सेंसिटिविटी के साथ इस खबर को दिखा रहे हैं। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपने थोड़े शब्दों में इतना कुछ बोल दिया, पूरी दुनिया में बता दिया कि गलत क्या है सही क्या है, यही तो चीज मैं कहना चाहता था। अब पासला जी के वासला जी पता नहीं कहां थे, इनको सुरक्षा की ये भी चीनी आती, हमसे बैठ में बैठा दिया, अब विक्रम जी बैठे हैं, हम आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं, हमारा टाइम इसी में ना गुजरे। मैं फिर कहूं ये डिबेट कम से कम 10 दिन डिबेट चलनी चाहिए, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, इंदिरा गांधी खोई है हमने, राजीव गांधी खोया हमने, नरेंद्र मोदी जी के लिए सारे चैलेंज आ रहे, पहले इंदिरा गांधी मारी, हम नरेंद्र मोदी को मारेंगे, ये कहा, क्या ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे लोग, क्या ये पुलिस अधिकारी पंजाब के अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे, क्या पंजाब की सरकार जिम्मेदार लेगी कि अगर नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाता प्रधानमंत्री को, क्या उनकी जिम्मेदारी होती। बातें करनी बड़ी आसान है, बिठा लीजिए मुझे, मैं भी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का मारा हुआ हूँ, जो मेरे शरीर का आधा हिस्सा गया है ना, ये सब उस वक्त की पुलिस की नलैकी, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों, उस वक्त की सरकारों की गलतियों से मारा हूँ मैं। मैं नहीं चाहता हमारे जाने के बाद, इंदिरा गांधी के जाने के बाद, राजीव गांधी जाने के बाद, बेन सिंह जाने के बाद, पंजाब का चीफ मिनिस्टर अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आए, क्या हमारी देश की सुरक्षा इतनी कमजोर, पाकिस्तान आईएसआई को क्या मैसेज जाएगा, क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना इतना आसान है, क्या ये समझते हैं पुलिस अधिकारी, क्या ये समझती है ये इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या समझती है इसका हमारे दुश्मन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी, मैं ये तो कह रहा हूँ देशद्रोह का मामला होना चाहिए। देखो, और उनको देखो अपना त्यागी जी, जफर इस्लाम जी ने बिल्कुल दिल की बातें कही, हम भी प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे, हम भी नरसिम्हा राव के साथ रहे, बिल्कुल जितनी देर तक एसपीजी हमें इजाजत नहीं देती, एम एस बिट्टा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्रेसिडेंट, हम उनके पास भी नहीं खड़े हो सकते थे, मैंने कई प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर जिस तरीके से त्यागी जी आपने कहां से वीडियो निकाली, जिस तरीके से आवाज सुन रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, वो काली गाड़ी, वो नरेंद्र मोदी जा रहा है, फर्ज करो रिमोट हाथ में होता, जैसे मेरी गाड़ियों में चला रिमोट, कई लोग मारे गए, हाथ दबाते और पीएम की गाड़ी उड़ जाती, क्या होता वहां, अफरा तफरी मर जाती। मैं फिर कहूं त्यागी जी, बार बार दोहराऊंगा, पास पड़ोसी मुल्क 50 किलोमीटर में जहां प्रधानमंत्री है, 50-100 किलोमीटर में आईएसआई पाकिस्तान को क्या मैसेज गया कि हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज अपनी हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। और याद रखना, अगर कोई घटना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
के ऊपर हो गई, और जो सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और जो डिस्कशनों में बोल रहे हैं इनके डायरी में नाम नोट कर लीजिए, ये जिम्मेदार होंगे जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गलती को गलती माने, कोई हो, इधर हो उधर हो, नहीं मानोगे कल को कोई और आएगा जाएगा। चीफ मिनिस्टर हर आदमी के लिए ये खतरा पैदा होगा, पंजाब का चीफ मिनिस्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल खतरा पैदा होगा प्रिंस खुल्लर।